एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में थाना नई मंडी प्रभारी पंकज पंत की टीम ने शंकर गैंग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद में शंकर गैंग चोरी, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता था। अधिकांश शंकर गैंग गिरोह के सदस्य रैकी करने के बाद बंद पड़े हुए मकानों को खंगालते थे, जिसमें चोरी जैसी वारदात अत्यधिक होती थी। सीओ थाना नई मंडी के मुताबिक बीते कुछ दिन पूर्व भी थाना नई मंडी क्षेत्र में बैंक कर्मचारी के घर पर इन चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गौरव और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर 80,000 रुपये की नकदी और चोरी किए हुए आभूषण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस का दावा है कि पकड़े गए दोनों अभियुक्तों से सख्त पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों के विरोध संगीन धाराओं में 8-8 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं घटना का खुलासा होने के बाद वादी पक्ष राजेश ने मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव सहित समस्त पुलिस स्टाफ का धन्यवाद किया। सर, खुलासा क्या है? ये थाना नई मंडी में 18 अप्रैल को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा ये बताया गया था कि उसके मकान में चोरी हो गई है। वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज उस घटना का सफल अनावरण किया गया है। और अनावरण के दौरान जो है 2 चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। ये शातिर प्रवृत्ति के चोर हैं और इनसे जो है चोरी गए मालों में बरामदगी की गई है, जिसमें 2 कंगन, 1 पाजेब, 1 अंगूठी और चोरी के 80,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा जिससे ये नकब लगाते थे, 3 रॉड बरामद की गई हैं और इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। करीब 8-8 मुकदमे हैं दोनों पे और ये कोतवाली मुजफ्फरनगर में एक गैंग रजिस्टर्ड है। ये शंकर गैंग के मेंबर हैं। क्या बरामद हुआ? बरामदगी में जो है 80,000 रुपये बरामद हुए हैं, सोने के कंगन बरामद हुए हैं, चांदी की पाजेब बरामद हुई है और 1 सोने की अंगूठी बरामद हुई है। और प्लस इनके द्वारा जो है जिन हथियारों से ये नकब लगाते थे वो 3 लोहे के राडे बरामद हुए। हाँ, पूर्व का आपराधिक इतिहास है, 8-8 मुकदमे हैं। इसमें और भी बड़ा खुलासा हो सकता है? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके अन्य साथी कौन कौन है जो घटना में संलिप्त थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।